मानना है कि अगर शादी के बाद सेपरेट ही होना है ना, तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी करने का कोई फायदा ही नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स प्रिया महेश्वरी फॉर यू। खैर ये तो वही बात हुई कि किसी प्लेन क्रैश सर्वाइवर से आप ये कहो कि अरे भाई जब तुझे पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है तो इसमें बैठा ही क्यों। कहने का मतलब ये कि अगर ये समझ आ जाए कि डिवोर्स होने वाला है तो आदमी शादी करेगा ही क्यों भाई। लेकिन एक बात मानने वाली है कि अगर ये पता चल जाए कि मेरी तेरी नहीं हो निबड़ी तो यार बच्चा तो बिल्कुल पैदा नहीं कर रहा। क्यों नाउ दैट संजय साहनी पे, मतलब ये तो वही बात हुई कि गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाने में तो मजा आता ही है, अब ये थोड़ी कोई सोचता है कि पेट खराब हो जाएगा। और माफ कीजिएगा ऐसी बातों, और मेरा बस चले तो अभी सेपरेट हो जाओ। लेकिन कोर्ट नहीं चाहता, कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है इसे समझने के लिए। लेकिन इसे समझाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी मच्छर से कहना कि गुड नाइट वाले कमरे में। और इनको समझाना उतना ही मुश्किल है जैसे जैसे किसी मक्खी से कहा जाए कि अरे भाई तू गंदगी पे मत बैठ। फिर भी कितने साल इस गंदगी पर बैठे। ये सारी गंदगी तुम्हारे दिमाग में है प्रिया, मुझमें नहीं है। चल छोड़ो, अब हम लोग सेपरेट हो चुके हैं और प्रिया महेश्वरी जी मुंबई में रहती है। मैं बेचारा, मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ। ये वर्सोवा अंधेरी का एक फ्लैट है जिसके बीचों बीच ये दीवार है। दरअसल ये दीवार पहले नहीं थी, हाल ही में लगी। लेकिन दिलों की दुनिया तो सदियों की हो चुकी है। एक मिनट, तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? मैडम मैं आपकी कॉपी नहीं कर रहा, आपके फोन की घंटी बज रही है मेरे दरवाजे की। मैं तो फोन किया था, तुमने कॉल बैक क्यों नहीं किया? ये बिजी का क्या मतलब होता है? कॉल बैक तो करना होता है ना। अच्छा ये बताओ इस बार सेमेस्टर में कितने मिले तुमको? क्यों इतने कम मेघा? बेटा अब पापा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम केयरलेस हो जाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ मैं जानती हूँ तुम मेहनत करो, बेटा और मेहनत करनी पड़ेगी, पास तो होना है ना मेघा। ओके अच्छा ठीक है, ओके चलो बाय। व्हाट बेटा अभी 6 महीने पहले तो तुम लोग लंदन गए थे, अब फिर से ऑस्ट्रेलिया? बच्चे अच्छे होटल तो यहाँ इंडिया में भी है ना, यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग क्यों नहीं देते तुम्हारे कॉलेज वाले? ये तुम्हारे कॉलेज वालों को ना माँ बाप से पैसे ऐंठने का बस बहाना चाहिए। हाउ मच आर दे आस्किंग नाउ? 3 लाख? 3 लाख मेगा? बेटा 3 लाख बहुत है, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी बच्चे, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। मेगा देखो तुमको ना अपने प्रिंसिपल से मना करना पड़ेगा, कह दो कि तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। अच्छा प्लीज, अच्छा गुस्सा मत, अच्छा एक मिनट एक बात सुनो सुनो, तुम्हें आईफोन चाहिए था ना, अगले महीने में तुम्हें आईफोन दिला दूंगी ठीक है? लेकिन बेटा प्लीज ऑस्ट्रेलिया के लिए मना कर दो। अच्छा ये बताओ तुम खाना ठीक से खाती हो ना? ब्रेकफास्ट जरूर किया करो, ब्रेकफास्ट दिन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मील होता है। हेलो हेलो हेलो, कमाल है आजकल के बच्चे, मतलब निकल जाए तो बात ही नहीं करते। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरी कहानी एक सिंगल पेरेंट, मतलब मेरी कहानी ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। मेरे जैसे आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगे अपने आस पड़ोस में, मुझे जो मेरी तरह डिवोर्स या सेपरेट होंगी। खाना ऑर्डर किया और उसको अपने वाले फ्रिज में रख के आ रहा, तो अपने वाले फ्रिज में रखने से पहले गर्म करदारी ऐसा होता है, अपने आगे किसी को ठंडा खाना खाते नहीं तो भेज दू कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों परेशान है बच्चे, बोल ना। ऑस्ट्रेलिया? अरे तो मम्मी से फोन करके पैसे मांगने की क्या जरूरत थी यार,
तुम्हारी माँ को ना सिर्फ नाटक करना आता है। Talk to me, बेटा, I'm there. Talk to me. Okay? All right. Fine. तो tell your principal कि कल सुबह उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा हो जाए। Don't worry, बेटा. I want you to enjoy yourself and I want you to be the best chef of this country. Huh? But पढ़ाई पे ध्यान देना बच्चे, पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है। अरे अरे थैंक यू क्यों बोल रहा है, पापा हूं तेरा। हाँ, डोंट वरी। अच्छा ये बताओ और कौन कौन जा रहा है? हेलो हेलो हेलो, देखा कमाल है जी आजकल के बच्चे, मतलब निकल जाए तो बात ही नहीं करते। लेकिन हम भी बाप जरा दूसरे के समझे, हम फोन दोबारा करेंगे। हेलो हेलो हेलो, ये छुप छुप के किससे बात कर रहे हो? मैडम मैं छुप छुप के कोई काम नहीं करता, जो करता हूँ खुले में करता हूँ, सबके सामने। जानती हूँ कितने बड़े पेशर हूँ। या तुमने तभी से बात किया करो, मैं तो बताऊँ। मुँह मत खुलवा, अगर मेरा मुँह खुल गया ना तो कहीं मुँह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, और देखना कोर्ट में कैसे तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाती। वो तो मैं कोर्ट में कैसे कुछ करूंगा ही नहीं, वहाँ वहाँ पे कोने में खड़ा होकर भीगी बिल्ली बनके बैठ जाऊंगा क्या? मैडम अगर अपनी आई पे आ गया ना तो तुम्हें कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरा ईमान है, मेरा कॉन्शियस है। हेलो, हाँ मेरा बेटा, शाबाश, तुमने मना कर दिया ना अपने प्रिंसिपल को। थैंक यू, आई फील सो हैप्पी व्हेन यू लिसन टू मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी दैट यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ सिंगल पेरेंट। You really made me feel proud. I love you. हाँ हाँ बेटा, आईफोन पक्का। Okay, okay बेटा। I love you. Yeah. क्या है? मेरे सर पे क्यों मंडरा रहे हो? जाओ ना अपने पोशन में जाओ। प्रिया मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। बोलो। नहीं ऐसे नहीं, आराम से मिलकर बैठकर बात करनी। सामने तो खड़े हो, और कितना मिलके बात करनी है? और जरूर तुम्हारे मतलब की कोई बात होगी, बिना मतलब के तो किसी को स्माइल भी नहीं करते थे। मिल के बात करनी है, जो बात करनी है अभी करो, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तो जो करना है मैं अभी करता हूँ, पर तुम एकदम बड़ा सोच समझ कर ध्यान से मेरी बात का जवाब दो। ओके, इधर आओ, सामने सामने आओ। क्या प्रिया, मुझे तुम्हारा बैग। हेलो मैडम, तुम पागल वागल, बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। कितनी बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि वो बेड मैं तुम्हें नहीं दे सकती, बार बार एक ही बात करते हो। किस मिट्टी के बने हो यार? जिस मिट्टी की तुम बनी हो प्रिया, मैं भी उसी मिट्टी का बना हूँ। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, इंसान माटी का पुतला है। शट अप, काम की बात करो। तो काम की बात ही कर रहा हूँ, मुझे मेरा बेड लौटा दे प्रिया, मुझे मेरा। तुमसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा और देखूंगी भी नहीं। आपको कोई भी काम हुए ना तो मुझे बोलना, मैं दौड़ता हुआ चला।
वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दी हूँ कि मैं भी अकेला ही रहता हूँ। मैं भी मतलब आपको कैसे पता मैं अकेली रहती हूँ? लो पूरा बिल्डिंग बात करता है ना कि आपको और गंजे का डिवोर्स हो गया। अरे बाबा को संजय ही बोला होगा, थोड़ा सुनने में गड़बड़ हुए खाद गुड़ नहीं मिस्टर मोंकी मिट्ठा। अभी हमारा ना सेपरेशन पीरियड चल रहा है, डिवोर्स अभी हुआ नहीं है। और अभी मना नहीं और गिद्ध पहले आ गया। बापरे कितना गुस्सा करता है ये आदमी, क्या कोई भी काम हुए तो मुझे बोलना, मैं तो करूं क्यों? नहीं 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 फिर कभी चलो फिर कभी आएगा। हां हां अरे जिस काम में आ रहे हो तो भूल गया, आपके पास थोड़ा काले रंग का धागा होगा, मेरा शर्ट का बटन टूट गया है। वो क्या पड़ोसी के काम आता है ना, रिश्तेदार को मरने मराने के बाद ही आता है, पहले तो पड़ोसी काम आता है काले रंग का था। थैंक यू। और कोई भी काम हुए मुझे बोलना, मैं दौड़ता हुआ चला। थैंक यू। तुम हंस रही हो? इसके ज्यादा मुंह मत लगना, भाव मत देना इसको, बहुत बेकार चीज है ये, खाऊ आदमी है। तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो ना। तुम अपना ही काम कर दो, मुझे क्या जरूरत है किसी और के पकड़े में पड़ने की। तो प्रिया जी मुझे बताओ बैठ कब उठवा। किस तरह के इंसान हो यार, कितनी तो चीजें ले जा चुके हो मेरी, कितने आर्टिफैक्ट्स, वो टीक का राइटिंग टेबल, वो पर्शियन पेंटिंग जो यहाँ टंगी हुई थी, सब ले जाकर करते क्या हो, कहाँ बेच देते हो? जो जो चीजें मैंने खरीदी थी ना भैया, मैं वही वापस लेके गया। अच्छा तो ये बेड तुमने नहीं खरीदा था? ये बेड मेरी नानी की मान्य, मेरी नानी को, मेरी नानी ने मेरी माँ को और मेरी माँ ने मुझको दिया था। तो इससे क्या होता है? You know what, Sanjay? You're impossible. Exactly. क्योंकि मैं हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल जो कर देता हूँ। That's right. हाँ जी तो कब उठवा लूँ फिर वो बेड? You know what, Sanjay? Leave me alone and go to your potion. नहीं जाता, क्या उखाड़ लोगी बोलो। Don't try to act smart, okay? मैंने कह दिया ना कि वो बेड तुम्हें नहीं मिल सकता, मतलब नहीं मिल सकता। वो बेड तो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा मेरी बीवी। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि वो बेड तुमसे कैसे ले। हेलो कुलकर्णी एंड एसोसिएट्स जी, कैन आई स्पीक टू जेपी कुलकर्णी प्लीज? सर मैं प्रिया साहनी बोल रही हूँ, मेरा मतलब है प्रिया महेश्वरी बोल रही हूँ। सर देखिए ना, ये संजय अब मुझसे मेरा बेड मांग रहा है। सर कितनी चीजें ले जा चुका है मेरी, कितने आर्टिफैक्ट्स, वो मेरे फर्नीचर, सब कुछ ले जा चुका है, अब बेड भी। बेड तो मैं खुद लेकर आई थी ना, जो चीज मैं खुद लाई थी वो तो मैंने दूंगी ना। सर प्योर वर्मा ठीक है सर, आज भी अगर ओएस पे बेचूंगी ना तो 4-5 लाख रुपए आराम से आ जाएंगे। नहीं सर मैं नहीं बेचना चाहती, नहीं नहीं दूंगी इसको मैं। या I'll call the police if he tries to touch it. Okay, sir. Okay. Thank you. जो मैंने बोला वो कर दीजिएगा सर, और जैसा मैंने बोला उस चीज का खास ध्यान रखिए। थैंक यू सर। कर ली अपने लॉयर से बात, तुम्हें क्या लगता है उससे बात करके अपना बैट बचा लोगी? बचा लूंगी, बिल्कुल बचा लूंगी, क्योंकि वो बैट मेरा है। तुम्हारा कैसे हो गया? वो बैट